क्या चलते हैं? देखी सुखी तुम? ओ शिजुका कैसी हो? तुम मुझे शिजुका चैन बुला सकते हो? हाँ मुझे पता है। हाँ पता तो तुम्हें और भी बहुत कुछ है, ये तो तुम्हारा चेहरा देख के ही पता चल जाता है, समझदार जो हो। ये खुश होने का वक्त नहीं है डोरेमोन। शिजुका ये तुम क्या कर रहे हो? चले चले, मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। ये इसे क्या हो गया? जितनी इस मछली के दाम है ज्यादा, उतना ही इसे खाने में आता है मजा। सही कहा ना भाई साहब? बहुत बढ़िया। देखो ये है एक और मछली ताजा, जिसे खाने में आएगा मजा। आप बहुत ज्यादा होशियार हैं। अब क्या ये हर एक मछली की तारीफ करेंगे यूं ही डोरेमोन? लगता तो यही है। शिजुका आ रही है। अरे नहीं। हेलो शिजुका, क्या तुम जानते हो मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ? अरे कहाँ ले जा रहे हो? अब मैं जो पूछूंगा वो इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएगी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अच्छा सुनो, अब जरा तुम इस ऑक्टोपस के बारे में भी कुछ कहो। हाँ? वो पिता। अरे नहीं भागा। जल्दी भागे डेरे मां, जल्दी। ये ठीक कैसे होगा? अभी भी नहीं मिला। अगर रोबोट में कोई खराबी आ जाए तो दाएं तरफ से 45 डिग्री एंगल पर एक बार टैप कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। राइट एंगल 45 डिग्री पर, यही होगा। हेलो। अरे नहीं, लगता है ये ठीक नहीं हुई। इसे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। शिजुका तुम्हारे पियानो लेसन्स कैसे रहे? बढ़िया। लगता है ये ठीक हो गई है। चले अच्छी बात है। शिजुका अब जब तुम्हारा काम हो गया है तो तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ। नोबिता मैं चाहती हूँ कि शिजुका केक बनाने में मेरी मदद करे, कैसा आइडिया है? ये तो हमें नहीं पता। वो ठीक हो गई है तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है। याद रखना मेरी बर्थडे पार्टी 3 बजे शुरू होगी, टाइम से आना। हम जरूर आएंगे। मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। अब क्या कर सकते हैं? तुमने शिजुका को बर्थडे गिफ्ट दिया है, वापस भी तो नहीं ले सकते ना? ये हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। 2 लोग मिल जाए तो काम आसानी से खत्म हो जाता है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? क्या बर्थडे पार्टी में मजा आता है? हाँ क्यों नहीं, ये साल में एक बार जो आता है और तुम उस दिन खास बन जाते हो। सबसे खास बन जाते हैं? हाँ? मुझे भी मनाना है अपना एक बर्थडे और केक भी। हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम्हें भी इसका हिस्सा जरूर बनना चाहिए। उस तरह से नहीं। हाँ मुझे भी खास बनना है। तुम क्या कहना चाहती हो? खास से तुम्हारा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मैं तुम्हारी जगह लेकर खास बन जाऊंगी। बर्थडे आज मैं मनाऊंगी। हाँ। और मैं तो तुम्हारी क्लोन हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। शिजुका की बर्थडे पार्टी का वक्त हो गया है, चले। चलो फिर जल्दी से उठो ना। क्या बात है? मैं तो बस उस क्लोन के बारे में सोच रहा हूँ। फिक्र मत करो, मैंने तुमसे कहा ना वो ठीक हो गई थी। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल सही रहेगा। हम शिजुका के घर जाकर उस क्लोन पर अच्छे से नजर रख सकते हैं। तुम वो बोतल नहीं लोगे क्या? हाँ वो बोतल नहीं, फ्लावर है। हाँ हाँ, इतनी मेहनत से उसे बनाया है तो ले चलो ना। शिजुका इसे देखकर बहुत खुश होगी, देख लेना। तुम्हें ऐसा लगता है? चले ठीक है, मैं ये शिजुका के लिए ले चलता हूँ। हाँ मुझे यकीन है कि उसे
थे। देख के रहे हो, चलो। वैसे तुम्हारा क्लोन कहाँ पर है? मैंने उसे शॉपिंग के लिए भेजा है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों के लिए वायलिन बजाऊंगी। चलो तालियां बजाओ। आज शिज़ुका कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते। अब जो मेरे लिए तोहफे लाए हो एक एक करके दो। अच्छा, मेरा प्रेजेंट बहुत ही खास है शिज़ुका, इसको मैंने फ्रांस से मंगवाया है। ये रहा वो, क्यों है ना अच्छा? अच्छा, तो ये फ्रांस में बना है। सच कहूँ तो मुझे पसंद आया। मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, मैं तो तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन सोप्स का सेट लाया हूँ। मुझे इम्पोर्टेड सोप पसंद, समझ गए तुम? माफ करना मुझे शिज़ुका, मैं तुम्हारे लिए फूलों की एम्ब्रॉयडरी वाला एक रुमाल लेकर आया हूँ। दो मुझे, तुम्हारा शुक्रिया देखी होगी। और तुम क्या लाए हो मेरे लिए नोबिता? क्या हुआ, तुम कुछ तो लाए होंगे ना मेरे लिए? मैं वो, क्या हुआ नोबिता, डर क्यों रही हो? तुमने इतनी मेहनत से उसे बनाया है तो फिर दे दो ना। ठीक है, वो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है शिज़ुका। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैंने फ्लावर वाज बनाया है। ये बेकार सी बोतल। हाँ? मुझे नहीं चाहिए ये। अरे नहीं शिज़ुका, ये तुमने क्या किया? शिज़ुका, तुम हमारी असली शिज़ुका नहीं, तुम नकली शिज़ुका हो। हे नोबिता, तुम ये क्या कर रहे हो? आज उसका जन्मदिन है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम शिज़ुका के साथ बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हो नोबिता? हमारी शिज़ुका ऐसे कोई तोहफे को फेंकती नहीं, समझे? मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है दोस्तों। ये शिज़ुका नहीं, उसकी कॉपी है। हमारी शिज़ुका कहाँ पर है, जल्दी बताओ। क्या कह रहे हो, मैं ही असली शिज़ुका हूँ। बताओ हमें शिज़ुका कहाँ पर है, वरना तुम कितने जिद्दी हो। जरा रुको। अरे ये क्या? शिज़ुका, और मैं खास हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ये आवाज कैसी? तो बच्चों, अब आपके सामने एक बहुत ही प्यारी बच्ची वायलिन पीस बजाएगी। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। तो मुझे दिखाया। ठीक है, ये
हमें से ये पूछना तो भूल ही गई कि इसने शिज़ुका को कहाँ छुपाया था। अरे नहीं, गलती हो गई। नोबिता। शिज़ुका, तुम ठीक हो ना? पता है शिज़ुका के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो साथ वाले कमरे में बंद थी। ये सब हो क्या रहा है? हाँ हमें बताओ ना नोबिता। मुझे माफ कर दो। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए नोबिता। हाँ सही कहा, अगर कुछ बुरा हो जाता तो कौन जवाब देता? जो हुआ उसे भूल जाओ, कम से कम अब तो शिज़ुका ठीक है ना दोस्तों? माफ करना शिज़ुका। हाँ नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने ही क्लोन की मदद से अपना काम आसान करने की कोशिश की थी, इसमें गलती तो मेरी हुई ना। हाँ, सच में शिज़ुका? नोबिता सुनो, उसे वो गिफ्ट तो दे दो जो तुमने अपने हाथों से बनाया है। कैसे दे दूँ? हाँ तो क्या तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया? हाँ वो बस थोड़ा अजीब सा है, ये लो। कितना प्यारा गुलदस्ता है ये, मुझे पसंद आया नोबिता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शिज़ुका तुम समझ गई कि ये एक फ्लावर वाज है। अब चलो, अब शिज़ुका की बर्थडे पार्टी एक बार फिर से शुरू करें। आप सबका शुक्रिया। इसी खुशी में मैं आपको वॉयलिन बजाकर सुनाऊंगी, ठीक है?